सूजी का ढोकला। अभी तक हमने देखा था कि ढोकला जो है वो हम बेसन का बनाते हैं, पर सूजी का ढोकला भी बनाया जा सकता है जो बहुत ही खाने में टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आज हम बनाएंगे सूजी का ढोकला। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा चैनल ग्रैनी अमेजिंग किचन में। सूजी ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप सूजी। ध्यान रखें कि इसमें हमें जो है वो बारीक सूजी चाहिए। अगर आपकी सूजी बारीक नहीं है तो आप उसे मिक्सी में पीस कर भी बारीक कर सकते हैं। तो हमने 1 कप सूजी ले ली है और इसमें अब हम मिलाएंगे आधा कप दही। दही जो है आपको नॉर्मल दही लेना है जो हमारे घर में होता है, आपको हंग कर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको अब हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते हैं तो इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। जितना पतला हम इडली के लिए बैटर बनाते हैं हमें इसे उतना ही पतला करना है। अब जो है हमारा बैटर रेडी है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि सूजी को जितना फूलना है वो उतना फूल जाएगी। तो 10 मिनट हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। जब तक हमारी सूजी को हम रेस्ट करने के लिए रख रहे हैं उतनी देर हम एक पैन में पानी गर्म कर लेते हैं। पैन को हम प्री हीट करेंगे। हम इसमें जो है करीबन 1 गिलास पानी डालकर इसको गरम कर लेते हैं और इसमें हम एक स्टैंड रख देते हैं। अब जब तक ये पानी गरम होगा तब तक हमारा ढोकले का बैटर भी पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो गए, देखते हैं हमारा बैटर कैसा है। ओके, सूजी जो है वो फूल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुटी हुई हरी मिर्च और अदरक मिलाएंगे। इससे क्या है ढोकले का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें नमक मिलाएंगे हम, 1 चम्मच नमक, और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे इनो, और इनो को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको मोल्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। मोल्ड को हम अच्छे से पहले ऑयल लगा लेते हैं, ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से ताकि ढोकला इसमें चिपके नहीं। अब हम इसमें डालेंगे ये बैटर। इसको एक बार टैप कर लेते हैं। अब हमने जो पहले से प्री हीट करके जो बर्तन रखा है उसमें हम इस मोल्ड को डालेंगे। पानी जो है वो अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इस मोल्ड को हम इसमें रख डालेंगे। तो इसको ढक देते हैं और इसको अब हम 20 मिनट तक पकाएंगे
10 मिनट हम इसको तेज आंच पे पकाएंगे और उसके बाद बाकी के 10 मिनट हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। हमारा ढोकला जो है उसको 20 मिनट हो गए, देखते हैं पका है कि नहीं पका। वाओ, ढोकला जो है वो फूल गया है। अब हम इसमें एक टूथपिक डाल के देखेंगे कि ये कुक हुआ है कि नहीं हुआ है। ढोकला जो है वो कुक हो गया है। हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल कर हम बाहर रख देंगे। इसको हम एक स्टैंड पे रख देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको इस मोल्ड में से बाहर निकालेंगे और इसको हम पीसेस में कट करेंगे। हमारा ढोकला जो है वो ठंडा हो गया है। इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हमारा ढोकला रेडी हो गया। अब हम इसके जो हैं वो पीसेस कर लेते हैं और फिर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो जितने बड़े आपको पीसेस चाहिए आप उस हिसाब से ढोकले के पीसेस कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ढोकले के जो है वो पीसेस कर लिए हैं और देखिए ढोकला जो है वो कितना अच्छा और स्पॉन्जी तैयार हुआ है। तो अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले हम तड़का पैन में 1 चम्मच तेल लेंगे और उसे हम गरम कर लेंगे। और जब तेल गरम हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई। आधा चम्मच जीरा, वन फोर्थ चम्मच हींग, फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है उसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। जब ये थोड़ा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे मीठा नीम, फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। ढोकला जो होता है उसमें मीठा, नमकीन, तीखा सब तरह का फ्लेवर होता है, तो इसलिए हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा पानी। तो हमारा तड़का जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और तड़के को ढोकले पे डालेंगे। तड़के को हम ढोकले पर पूरा एक साथ डायरेक्टली नहीं डाल के थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हम डालेंगे। ऐसे क्या है, तड़का जो है वो पूरी तरह से ढोकले में चला जाएगा, ढोकला इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम इसको ऐसे डालेंगे। लास्ट में हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया से क्या है फ्लेवर और अच्छा आ जाता है। तो लीजिए हमारा सूजी का ढोकला बिल्कुल रेडी है। तो देखा आपने सूजी का ढोकला बनाना कितना ही आसान है। इसे आप बहुत झटपट जल्दी से घर पे बना सकते हैं। कोई गेस्ट आए या फिर बच्चों की फरमाइश हो, आप फटाफट से सूजी का हलवा बनाकर एक नई रेसिपी है इसे आप बच्चों को खिला सकते हैं या गेस्ट को आप सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ और नए नए किचन टिप्स सीखने को मिल सके। तो अगली बार मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, कुछ नए किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।